मेरा टेक्निकल पॉइंट है गुप्ता, आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगले एम्पलीफायर है। देखिए ये जो एम्पलीफायर है मेरा, ये 100 क्या बोलते हैं, इसमें जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये पहले से हम खोल दिया हूँ इसका। इसमें जो ट्रांजिस्टर में लगा हुआ है 5198 है और 1941 है, तो इसके जगह पर हम लगाएंगे 5200 और 1943। तो आपको हम ट्रांजिस्टर दिखा दें, देखते हैं ट्राई करके कैसा साउंड है, क्या है नहीं है, तो फिर आपको हम बताते हैं बजता है कि नहीं बजता है। ट्राई करके देखते हैं। देखिए तो ये 5200 है, दिखाएंगे अच्छा से, कोशिश कर रहे हैं। ये 1943 है, ठीक है, तोशिबा का। ये 5200 है, तो चलिए इसमें हम लगाते हैं, देखते हैं साउंड क्वालिटी क्या है नहीं है। इसका एक रेजिस्टेंस भी जल गया हुआ है, तो चेंज कर देते हैं इसका रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस जल चुका है, तो हमने दूसरे बोर्ड से देख निकाले 11 का रेजिस्टेंस है, ब्राउन ब्लैक ब्राउन, तो 11 का रेजिस्टेंस है, देख लीजिए यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर वही होगा, कन्फर्म यही है, तो हम इसको लगा देते हैं। बोर्ड को सही से पलट लेंगे ताकि दिक्कत ना होगा, रेजिस्टेंस में कोई उल्टा सीधा नहीं होता है। देख लेंगे कौन सा है, तो यहाँ पे जा रहा होगा, इसका होल को क्लियर कर लेंगे ताकि रेजिस्टेंस डालने में दिक्कत ना होगा। रेजिस्टेंस को हमने निकाल लिया, जा रहा होगा, इसको अच्छा से साफ कर लेंगे। देखेंगे ताकि कहीं तार तो नहीं सट रहा है। यहाँ पर सोल्डिंग वायर का यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास तो फिलहाल अभी सोल्डिंग वायर नहीं है, तो हम कोई दूसरा बने के लिए वीडियो का स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा। बाहर से भी करना होगा, अंदर से जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा है। देखिए उधर से क्लियर हो चुका है, देखिए इधर दोनों क्लियर हो गया। इसको कैसे लगा सकते हैं, रेजिस्टेंस उल्टा सीधा नहीं होता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल को नया सब्सक्राइब कीजिए।
डाल दे इधर, सोल्डिंग मार देंगे, थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे ताकि अच्छा से सोल्डिंग होगा। ये सब जलने का कारण होता है क्या, जब ट्रांजिस्टर मेरा शॉर्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिक हो जलेगा। ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने का कारण क्या है, जो लोड उड ज़्यादा पड़ जाता है इसी कारण। देख लेंगे इसे ट्राई करके, ट्राई करने में पैसा नहीं लगता, अगर सही से नहीं हुआ होगा तो उसको सही से करेंगे। हो गया सही से, यहाँ पर अपना मीटर से चेक कर लेते हैं। आठ उनका बता रहा है, तो बोर्ड को जैसे था लगा दिया। अब इस बच गया मेरा ट्रांजिस्टर, तो देखिए भैया हम तो जैसे जैसे है वैसे लगा रहे हैं। 1941 है, इसके जगह 1943 डालेंगे, 1943 कोशिश कर रहा हूँ अच्छा से दिखा देने। चुना देखिए तो 1943, तो इसको हम 1943 थोड़ा सा पिन कटिंग कर लेते हैं। साल का इसको टेढ़ा कर लेते ताकि वाल सोल्डिंग करने में बनेगा। भाग जो टीना है वो सटना नहीं चाहिए उसमें। 51-98 के जगह पे हम कोशिश करते हैं अच्छा से दिखा दें। 51-98 के जगह हम यहाँ पर डालेंगे 5200, 1943 5200। दोनों का कनेक्शन कर लेते हैं। चलिए तो ये 1941 है, इसके जगह पर जैसे जैसे सोल्डिंग किया वो वैसे वैसे कर रहे हैं।
देखिए ट्रांजिस्टर को ऐसे रख लेंगे, जैसे जैसे हम उखाड़ेंगे वैसे वैसे सोल्डिंग कर देंगे इस पर। देख लीजिए लास्ट में आ जाएगा। सही से सोल्डिंग कर देंगे सीधा तक। यह मेरा 51 98 तो जैसे है वैसे ही कर देंगे इसका। देख लीजिएगा कैसे कैसे हो रहा है बिटू। कंप्लीट हो चुका है ठीक है। तो साउंड क्वालिटी तो अच्छा गिर रहा है, ये तो 5200 लगाए तो बहुत अच्छा ही बज रहा है। बेस बहुत ही अच्छा है।